Andrew. मैं यूसुफ बलोच एंड यू आर वॉचिंग यूसुफ बलोच ट्रैवल व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, इसको मिस नहीं करना, आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहले हमने कोह सुलेमान के पहाड़ों को विज़िट किया। ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर हमने ठंडी गार को विज़िट किया। कहा जाता है कि इस गार के अंदर आपको चिट्टा सूट और होंडा 125 मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिला था। अगर आप तौंसा शरीफ से हैं या कभी आपने होंडा 125 और चिटा सूट लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने हज़रत सुलेमान के मज़ार का विज़िट किया है। अगर आप अकीदतमंद हैं तो आपके लिए ये वीडियो और स्पेशल होने जा रही है। हमने अपना डिनर सोहबत के साथ किया है। तौंसा शरीफ कभी जाएं तो सोहबत को मिस नहीं करना। हमने अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर से किया। सुबह का नाश्ता हमने मुल्तान में पहुंच के शाहजहां ग्रिल पे किया। बहुत मज़े का रेस्टोरेंट है। ब्रेकफास्ट वाज डिलीशियस। तौंसा पहुंच के हमने कोह सुलेमान के पहाड़ों की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ थे गौहर बलोच भाई, जमशेद अहमद भाई और ज़ुल्फ़कार भाई, उज़ैर भाई और अजमत भाई। इन अजीम शख्सियात ने मेरे सफ़र का मज़ा दुबाला कर दिया था। और इसी पहाड़ी सिलसिले में मेरा ड्रोन भी टूट गया था। ड्रोन टूटने की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा। जैसे जैसे आप पहाड़ों के अंदर चलते जाएंगे मौसम ठंडा होता जाएगा। इनमें अक्सर पहाड़ मिट्टी के हैं और कुछ पथरीले पहाड़ भी हैं, और मिट्टी के पहाड़ भी आपको मुख्तलिफ रंगों के मिलेंगे। इस मकाम को गुल की हिल स्टेशन कहा जाता है। ये अभी नया तामीर हुआ है। मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि हुकूमत अब सियाहत की तरफ भी तवज्जो दे रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट से आप आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको मोबाइल के सिग्नल्स भी ड्रॉप होते हुए मिलेंगे। अगर आप इस मकाम को विज़िट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4x4 किसी बड़ी गाड़ी पे जाएं या फिर आप मोटरसाइकिलों पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे रोड अच्छे नहीं है और आपकी गाड़ी नीचे बहुत लगती है। मेरी न्यू गाड़ी थी और नीचे बहुत लगी थी। दूर दराज इलाकों से पानी को इस पाइपलाइन के ज़रिए लाया जाता है। इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इस पानी से सब्जियां और छोटी मोटी फसलें भी उगाई जाती हैं। ये जगह मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन होगी आप लोगों के लिए। अगर आप जनूबी पंजाब जाते हो, इवन के अगर आप मुल्तान तक भी जाते हो, तो आप तौंसा शरीफ और इन पहाड़ी सिलसिले को ज़रूर विज़िट करें। और इसको कहा जाता है ठंडी गार, जहाँ पे होंडा 125 और चिट्टा सूट मिलता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला। इस तरह की बेतहाशा सुरंगें इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर मौजूद हैं। इस ठंडी गार की खास बात ये भी है कि ये बहुत ठंडी होती है। जब आप इसके अंदर जाके थोड़ी देर बैठते हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये जगह तौंसा शरीफ सिटी से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर के फासले पे है। इसके बाद हमने हज़रत शाह मोहम्मद सुलेमान तौंसवी की मज़ार पे हाज़िरी दी। हज़रत
हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थी जिनकी मेहनत से पंजाब और अफ़गानिस्तान के हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह को पीर पठान भी कहा जाता है। आप 1770 में बलूचिस्तान में पैदा हुए और 1850 में तौंसा शरीफ में वफात पा गए। अब के दौर में सिखों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ों का इकतदार बड़ी जल्दी से फैल रहा था। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह ने इस दौर में मुसलमानों की दीन और दुनिया की इस्लाह का बेड़ा उठाया था। जब हम मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए पहुँचे तो ये जुहर की नमाज का टाइम था और इस टाइम पे दरबार शरीफ को बंद कर दिया जाता है, तो हम अनफॉर्चुनेटली अंदर से विज़िट नहीं कर सके, लेकिन आपको विंडो से हम इसका दीदार करवा देंगे। आपके दरबार के अंदर आपके सारे मुरीदैन की कब्रें भी मौजूद हैं। अब आप इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिए। मैं हर मुरीद की कब्र के ऊपर कैमरे को लेके जाऊंगा, आप घर बैठे आराम से ज़ियारत कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।